अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे मुल्क के हालात के बारे में, जिसकी वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे, इसीलिए आप लोगों के स्कूल वालों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हैं, ताकि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, वो भी घर बैठे आराम से। ओके, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर, जो कि क्लास 1 एंड 2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा आप सबके घरों में कंप्यूटर मौजूद है, जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम बन चुका है। अब आपको पता है हम इस पर क्या कुछ कर सकते हैं, हम इस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं, हम इस पर गेम्स खेल सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, और जिस तरह मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ वो भी आप इंटरनेट के ज़रिए इस पर कंप्यूटर पर देख सकते हैं आराम से ही। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन। ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक से मशीन से मुराद ये कि वो एक बिजली से चलने वाली एक मशीन है, सही है। जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही हमारा कंप्यूटर चल सकता है, उसके बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है इसके पार्ट्स कितने होते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे पार्ट्स हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी उसके पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स कितने हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। तो आप लोगों ने देखा ये कितने पार्ट्स हैं हमारे? 4 पार्ट्स हैं, जैसे आपको अपनी स्क्रीन में नज़र ही आ रहा है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन वर्क करता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सीपीयू वर्क करता है। जिस तरह हमारी ब्रेन से हमारा हर एक पार्ट कनेक्ट है, वैसे ही सीपीयू से हर एक पार्ट कंप्यूटर का कनेक्ट है। जिस तरह ब्रेन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही सीपीयू के बगैर भी कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट, मॉनिटर। ओके, मॉनिटर लुक लाइक आर टेलीविजन दैट शोज पिक्चर फॉर कंप्यूटर। अच्छा, मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह नज़र आता है। जिस तरह आप लोगों के घर में टीवी मौजूद है, वैसे ही मॉनिटर भी उसी की तरह ही लगता है, बट वो जो शो पिक्चर शो करता है वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए पिक्चर शो करता है। अपने कीबोर्ड। ओके, अ कीबोर्ड इज़ अ कम्पोज ऑफ बटन दैट क्रिएट लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ओके, जिस तरह हम कंप्यूटर के अंदर जब हमें कुछ लिखना होता है, जब हमें कुछ टाइप करना होता है, तो हम किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? बटन्स होते हैं जो कीज कहलाते हैं, उसके अंदर लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और हर चीज़ होती है, ताकि जिससे आपको टाइपिंग में आसानी हो सके। आप जो भी टाइप करते हैं, वो जैसे आपको अपना नाम टाइप करना होता है, तो आप कीबोर्ड की मदद से अपना नाम टाइप करेंगे। शो कहाँ होता है? मॉनिटर के ऊपर। जिस तरह मैंने भी बताया आपको ना, मॉनिटर लुक लाइक आर टेलीविजन, बट वो काम किसके लिए करता है? सिर्फ कंप्यूटर के लिए। तो वो पिक्चर्स शो करता है जो हम चीज़ दिखाना चाहते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माउस। ओके, माउस इज़ अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द कर्सर। ओके, माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? माउस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक फाइल से हम दूसरे फाइल में आराम से जा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को ओपन करना हो, किसी चीज़ को खोलना हो, तो हम माउस की मदद से उसके कर्सर को वहाँ तक ले जाएंगे और क्लिक करेंगे हम अपने राइट बटन से। दैन फिर उसके बाद जब वो फाइल ओपन हो जाएगी, तब हम उसे अपनी कोई भी चीज़, आपको जो भी देखना हो आप उसे आराम से देख सकते हैं। तो माउस ये हम करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी क्लास, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपने यहाँ देख, सो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है और इसके कितने पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।